गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 14th of September 2022। कल यूएस सीपीआई डेटा 8.3% में आया था। मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग एट 8.1% अगेंस्ट प्रीवियस डेटा ऑफ 8.2, जिसमें पूरा का पूरा मार्केट का पल्स ही चेंज कर दिया। डॉलर इंडेक्स कल आपका 108 के आसपास था। यहाँ पे चार्ट में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन से कुछ गलतियां हैं, लेकिन उसके बाद जो ऊपर जाके बंद हुआ 109.81 के आसपास, अभी है 109.73। एक ड्रास्टिक ट्विस्ट नीचे से ऊपर की तरफ, कहाँ पे ये साउथवर्ड डाउनवर्ड जाने वाला था। एक डेटा का एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक डेटा नहीं आना, ये पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया। अभी हमें दोबारा इंतजार करना पड़ेगा प्राइस एक्शंस के ऊपर। बाय द वे फ्रेंड्स, कल से मेरा डेली करेंसी एनालिसिस एज वेल एज द वीकली करेंसी एनालिसिस अवेलेबल नहीं होगा टिल 25th ऑफ September 26 onwards, I will again come back with the analysis part. डॉलर रुपी में कल अच्छा खासा नीचे के तरफ आया था। It traded low of 79.03, लेकिन आपका उसके बाद ऊपर में जाके क्लोज हुआ 79.57 पे। हालांकि हमारा इंडियन मार्केट में इट क्लोज अराउंड 79.17 के आसपास, बट आफ्टर द सीपीआई डाटा ये ऊपर चला गया है। अभी आपका यहाँ पे एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस दिख रहा है आफ्टर ब्रेकिंग द ट्रेंड लाइन सपोर्ट। दैट बीइंग द केस, आपका आने वाले दिनों में ये हाई के ऊपर क्लोज देना नहीं चाहिए। दैट इज 80.00 ले लीजिए। अगर ये दे देता है ऊपर क्लोज, तो ये फिर चॉपिनेस बरकरार हो जाएगा। लेकिन अगर ये आप नॉनस्टॉप ये लोअर है लोअर लो फॉर्मेशंस बनाता है, तो रुपी एप्रिसिएशंस के लिए ये अच्छा हो सकता है। हियर आई वांट टू मेंशन दैट आई एम नॉट ए फैन ऑफ रुपी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशंस। आई एम ए फैन ऑफ ट्रेंडेड डायरेक्शंस, चाहे वो नीचे की तरफ जाए या ऊपर की तरफ आए। यहाँ पे एक ऑर्डरली फैशन तभी होगा जब ये नॉनस्टॉप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलेगा, लेकिन जैसे वो ऑर्डर को डिस्टॉर्ट कर देगा तो आपका ये जो ट्रेडिंग का जो मीन्स एक ट्रेंडेड जो ट्रेडिंग है वो आपका काफी डिस्टर्ब हो जाएगा। जीबीपी डॉलर में आपका कल हाई ट्रेड हुआ था 1.1738 एंड क्लोज दिया है आपका 1.1490 पे, अभी है 1.1504। जैसे कि मेरा प्रीवियस डेली एनालिसिस था, जो इमीडिएट मेजर रेजिस्टेंस है वो 1.1750 से 1.1900 देर बीगी का एक अच्छा खासा एक सॉलिड रेजिस्टेंस आने वाला है। इसको अगर ऊपर जाना है तो इस सॉलिड रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, जो कल हमने देखा कि जस्ट नियर बाय आके फिर एक अच्छा खासा फॉल दिया हुआ है। अभी हमें फिर प्राइस एक्शंस को देखना पड़ेगा वेदर इट इज मेकिंग हायर हाई हायर लो और नॉट। अभी देखो कि ये हायर हाई तो बनाया एंड अभी हायर लो कंफर्म नहीं हुआ। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है देन एंड ओनली देन एक हायर लो फॉर्मेशंस आएगा। जीबीपी आईएनआर में भी वैसा ही एक फॉल आया है, जैसे कि ये हमारा 93.25 से 93.50 के बीच में एक रेजिस्टेंस हमने एक्सपेक्ट किया था। प्राइस कल वो उसके आसपास आके फिर अच्छा खासा एक फॉल आया है एंड मॉर्निंग से एक पिन बार बनाने का कोशिश कर रहा है। हालांकि ये स्टार्ट ऑफ द डे है, अभी काफी कुछ होना बाकी है, लेकिन हमें वही देखना है कि ये पिन बार कंप्लीट होता है या फिर इसको नेगेटिव कर निगेट कर जाता है। यूरो डॉलर में
वहां पर भी कल एक जो हाई मारा था आपका 1.0198, हमारा जो रेजिस्टेंस वाला था ये माइनर रेजिस्टेंस था 1.0150 के आसपास, 5060 के आसपास, वहीं से फिर रेजिस्टेंस लेके फिर दोबारा नीचे आया है। अभी यहाँ पे ये दोबारा ये कंसोलिडेशन जोन पे आ चुका है। हमारा कल का जो एनालिसिस था कि यहाँ पे ये दोबारा कंसोलिडेशन जोन के अंदर में नहीं आना है अगर इसको ऊपर जाना है तो, लेकिन आ चुका है, मार्केट इज मार्केट आ चुका है। तो अभी फिर इसको यहाँ पे कैसे कंसोलिडेट करता है वो हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। यूरो आयनर में आपका वही सिमिलरली ये दोबारा ये जोन के अंदर में आ चुका है, कल सस्टेन कर नहीं पाया। अभी फिर दोबारा क्या देखेंगे यहाँ पे, फिर एनर्जी रिगेन करके कैसे कंसोलिडेट करता है या नीचे की तरफ फर्दर डाउनवर्ड मूव होता है, ये हमें आने वाले दिनों में चेक करना पड़ेगा। सो ये जो जोन बन गया ये इंडिसिशन जोन बन गया, यहाँ पे मीन्स कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, मीन्स एक पार्टिकुलर ऑर्डरली फैशन में नहीं रहेगा। डॉलर येन में अगर हम देखेंगे, डॉलर येन में वापस कल एक लो मारा था आपका 141.60, वहां से फिर जूम करके ऊपर गया है। वही आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन नहीं किया तो यहाँ पे ड्रास्टिक सेलिंग के लिए कोई जगह ही नहीं है। लेकिन अभी एक डाइवर्जेंस टाइप का दिख रहा है, आप देखोगे यहाँ पे एक डाइवर्जेंस, RSI डाइवर्जेंस, बॉलिंजर बैंड वॉलिटिलिटी डाइवर्जेंस जिसको बोलते हैं आउटसाइड इनसाइड, दोनों ही दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेच दो, हमें और केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे येन दिस हिसाब से डेप्रिशिएट कर रहा है। क्या BOJ हैप्पी है, उनका स्टैंड हमें केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा, टिल व्हाट लेवल दे आर हैप्पी एंड कहाँ पे कौन सा लेवल से दे विल स्टार्ट इंटरवीनिंग, वो हमें केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा। येन आयनर में देखेंगे वही एक आपका यहाँ पर भी वॉलेटिलिटी डाइवर्जेंस है, RSI डाइवर्जेंस भी है, एंड अभी हमें जब तक इसके हाई के ऊपर दैट इज 0.5610 के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, ये W पैटर्न्स डायरेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये W पैटर्न के अगर ऊपर क्लोज भी दे देता है जो इमीडिएट माइनर, ये माइनर रेजिस्टेंस होगा आपका, माइनर रेजिस्टेंस आएगा आपका 0.5670 से 0.5700 30 पिप्स का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ेगा तभी जाके हम कुछ एक अपवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं। ये W पैटर्न के लिए अभी देखो, लेट मी शो यू, बिकॉज व्हाइल आई डूइंग द एनालिसिस आई वांट टू शो यू द स्ट्रक्चर्स आल्सो। यहाँ पे अगर ये ब्रेक करेगा तभी जाके नेक लाइन को ब्रेक करेगा तभी जाके एक W होगा। डॉलर कैंडी में एक अच्छा खासा उछाल देखा गया एंड इट करेंटली ट्रेडिंग एट 1.3167। वही हमें अभी देखना है ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे जो देखने वाला चीज है फ्रॉम दिस पॉइंट दैट इज 11 अगस्त से प्राइस रिपीटेडली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस बना रहा है। अभी क्या ये हाई को तोड़ के नया हाई बना रहा है या यहाँ पे फेल होगा, ये हमें देखना है, मीन्स केयरफुली यहाँ पे इस लेवल पे ट्रेड करना है। $80 पे आप देखोगे अच्छा खासा एक सेल ऑफ कल देखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 0.6726 ऑन द लोअर साइड एंड 0.6916 ऑन द हायर साइड, अभी है 0.6730। यहाँ पर भी एक RSI डाइवर्जेंस दिख रहा है लेकिन कॉन्फर्मेशन अभी तक हुआ नहीं है। जब तक ये कल का जो बड़ा सेल ऑफ है उसके ऊपर क्लोज नहीं दे देता है, प्राइस यहाँ पे लिंगरिंग करेगा, यहाँ पे क्रॉलिंग करेगा, यहीं पे सबका जान निकालेगा, बायर्स का भी जान निकालेगा, सेलर्स का भी जान निकालेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। सो वेरी केयर, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट वन। CNH वाओ, कल एक अच्छा खासा उछाल देखा गया ऊपर में एंड इट क्लोज डेट 6.98, अभी हल्का सा एक नेगेटिविटी दिख रहा है। यहाँ पे RSI टर्म्स में एक डाइवर्जेंस दिख रहा है, कॉन्फर्मेशन नहीं है, कॉन्फर्मेशन तभी होगा जब ये आपका
6.91 के नीचे क्लोज देगा, तभी जाके एक एम पैटर्न फॉर्मेशन आएगा। अभी दिल्ली काफी दूर है, जस्ट एक एनालिसिस पार्ट मैं आपको बता रहा हूं। यूके ऑयल कल एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन बनाया हुआ है, जहां पे प्राइस रिजेक्टेड ऑन बोथ द टू साइड्स। स्पिनिंग टॉप मींस इंडिसीशन। मेरा जो लास्ट वीकली एनालिसिस था, वहां पे हमें ये देख रहे थे कि क्या 9220 9230 के वहां पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है, समथिंग लाइक दिस, लेकिन हुआ नहीं। नेक्स्ट डे ऊपर चला गया एंड उसके बाद वाले दिन पे एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन बनाया है। अभी यहाँ पे क्या हमें देखना है, यहाँ पे क्या सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या दोबारा नीचे की तरफ आ जाता है, ये हमें देखने वाला बात है। अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, इन सच ए केस हमारा जो माइनर रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा आपका, दैट इज 0.96 के आसपास। उसके बाद का जो रेजिस्टेंस आएगा आपका 105 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस दिखने को मिलेगा। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी बुम 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 3.43, अभी ये वो जो मींस रिसेंट स्विंग हाई उसको चैलेंज करने वाले हैं। कल के सीपीआई डेटा के बाद और भी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज बढ़ गया है कि ये 3.50 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। वंस अगेन टुमारो ऑनवर्ड्स टिल 25th आई विल नॉट बी अवेलेबल, सो नो डेली करेंसी एनालिसिस एज वेल एज वीकली करेंसी एनालिसिस। फ्रॉम 26th ऑनवर्ड्स आई विल अगेन रिज्यूम माय वर्क्स विथ न्यू एनर्जी, न्यू विगर एंड न्यू एवरीथिंग। तो उसके बाद का जो प्रेजेंटेशन होगा मे बी समथिंग डिफरेंट, मे बी मच बेटर इन डेप्थ, लेट्स सी। सो थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे।